गुटखा बेचने वाली कंपनी के साथ जुड़ने पर अक्षय कुमार का आया रिएक्शन। अक्षय कुमार बॉलीवुड के ऐसे एक्टर हैं जिन्हें बड़ी संख्या में लोग सोशल मीडिया पर फॉलो करते हैं। अक्षय कुमार के चाहने वाले दुनिया भर में मौजूद हैं। अक्षय अपनी एक्टिंग से लोगों का दिल तो जीतते ही हैं, लेकिन वो अपनी हेल्दी लाइफस्टाइल से भी लोगों को इंस्पायर करते हैं। अक्षय कई बार इस बात का खुलासा कर चुके हैं कि वो ना तो सिगरेट पीते हैं और ना ही उन्होंने कभी शराब को हाथ लगाया है। वो कई बार ये कहते हुए भी देखे गए हैं कि वो किसी भी तरह का नशा नहीं करते और ना ही वो कभी किसी भी तरह की चीजों को प्रमोट करेंगे। पर हाल ही में अक्षय ने गुटखा पान मसाला बनाने वाली कंपनी विमल से हाथ मिलाकर सभी को चौंका दिया। जी हाँ, अक्षय कुमार हाल ही में विमल कंपनी से जुड़े, जहां उन्हें इलायची ब्रांड को एंडोर्स करना था। मिली जानकारी के अकॉर्डिंग पहले इसके लिए वो राजी नहीं थे, लेकिन बाद में बड़ी रकम ऑफर होने पर उन्होंने इस विज्ञापन को करने के लिए हामी भर दी। अक्षय को इस बात का अंदाजा था कि उनके फैंस इससे भड़क जाएंगे, लेकिन शायद उन्हें ये नहीं पता था कि इसका मुद्दा बन जाएगा। अब जबकि अक्षय कुमार के फैंस उनके इस फैसले से इतने ज्यादा नाराज हो गए हैं, तो एक्टर ने खुद इस कंपनी से बैकआउट कर लिया है। उन्होंने इंस्टाग्राम पर एक पोस्ट शेयर करके अपने फैंस से माफी भी मांगी है। आपको बता दें कि बीते दिनों ही अक्षय कुमार का ये एड जारी हुआ था। सामने आए इस एड में शाहरुख खान और अजय देवगन पहले से ही थे, लेकिन अक्षय कुमार का इसमें काफी ज्यादा इन्वॉल्वमेंट देखने के बाद फैंस भड़क गए और उन्होंने अक्षय कुमार को ट्रोल करना शुरू कर दिया। जब बॉलीवुड के तीन बड़े कलाकार एक साथ किसी एड में आए तो ये बवाल तो मचना ही था। अजय देवगन तो पहले से कई पान मसाला ब्रांड्स के एड में दिख चुके हैं। शाहरुख खान के इस विज्ञापन में भी आने पर इतना बवाल नहीं मचा, लेकिन अक्षय के इस एड में आते ही लोगों ने उनको ट्रोल करना शुरू कर दिया। लोगों ने कहना शुरू कर दिया कि नेशनल अवार्ड विनर को ऐसे एड नहीं करने चाहिए। खैर, अब अक्षय कुमार ने बैकआउट कर लिया है। होप कि उनके फैंस भी जल्दी ही इस बात को समझ जाएं।